इंशाल्लाह आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज काफ़ी दिनों बाद मैं ब्लॉग शूट करने लगी हूँ, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है एहसान, वो चले गए हैं अब्रॉड और मैं बहुत ज़्यादा सैड थी, इस वजह से मैंने कोई भी ब्लॉग तो शूट नहीं किया। सो मैंने सोचा कि क्यों ना आज ब्लॉग शूट किया जाए और थोड़ी अपनी अपडेट दी जाए। तो आज का सीन कुछ यूँ है कि मैंने ना अपने जो हेयर है उनको स्टिकिंग करवाई हुई थी, तो अब मेरे ग्रे हेयर्स निकल रहे हैं, तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने बालों का कलर ब्लैक करवा लूँ। तो अब मेरे माइंड में ये चल रहा है कि मैं इनको ब्लैक करवा लूँ, तो मैं इनको कलर करवाने जा रही हूँ सैलून में। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो कलर है अब ये ब्लैक हो जाएगा। तो स्टिकिंग जो है वो काफ़ी टाइम से मेरी स्टिकिंग ही थी, तो अब मैं सोच रही हूँ कि जो है मैं इनको ब्लैक करवा लूँ। तो ब्लैक करवाने के बाद फिर जब कहीं जाना होगा, फिर जब मूड बनेगा फिर करवा लेंगे हम इसको दोबारा से। तो बाल जो है वो ख़राब हो रहे हैं, तो इस वजह से इनको मैं ब्लैक करवाने जा रही हूँ। उसके अलावा जो है वो एहसान गए हैं, तो मैंने थोड़े थोड़े क्लिप जो हैं वो लिए थे जो हमने उनकी शॉपिंग की है वो, तो मैंने सोचा मैं वो भी आप लोगों से शेयर कर दूँ कि हमने एहसान की शॉपिंग की, किस तरह से उनको जो है वो अलविदा किया, तो वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। और फिर अभी मैं कलर करवाने के बाद शावर लूँगी और फिर मैंने ये ड्रेस निकाला है, ये मैं पहनूँगी। ये मेरा भालू बेचारा उल्टा हुआ पड़ा है। अच्छा जी, तो मैं वो साथ साथ आपको वो क्लिप भी दिखाती हूँ जो एहसान के जानते टाइम मैंने थोड़े थोड़े से शूट किए थे, तो वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। और फिर मैं अपना जो है वो ये कलर चेंज करवा के ये भी आप लोगों को दिखाती हूँ। सो गाइज, तो यहाँ पे मैं इसको छोटा बैठा हुआ था, इसको मैं तंग करने लग गई, तो जो इसके साथ मैं बातें शातें कर रही थी जो उसको वो वॉइस मुझे करनी पड़ी म्यूट, क्योंकि पीछे चल रहे थे सॉन्ग चल रहे थे और मुझे बाद में याद आया कि इस पे तो कॉपीराइट आ सकता है, फिर मुझे इसको म्यूट करना पड़ा, वरना इसकी मैं जो फजूल की बातें हैं वो भी आपको सुनवाती और ये पता नहीं क्या कर रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको ज़रा तंग कर लूँ। तो उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो हमने एहसान की शॉपिंग की। मैं बहुत ज़्यादा मतलब सैड थी थोड़ी सी, तो इस वजह से फिर मैंने कोई प्रॉपर व्लॉग नहीं बनाया, थोड़ी बहुत जो है वो मैंने क्लिप्स वगैरह शूट किए ताकि मेमोरीज रहें। तो जो कपड़े थे एहसान के हमने पहले स्टिच करवा लिए थे, बाकी ये जो ट्राउज़र शर्ट वगैरह ज़्यादा पहनते हैं, तो फिर हम उसकी शॉपिंग करने गए। तो यहाँ पे एहसान पहन के चेक कर रहे थे साइज़ वगैरह ना इशू ना हो बाद में, तो इस वजह से ये साइज़ वगैरह चेक कर रहे थे कौन सा पूरा आता है कौन सा नहीं आता। उसके बाद इतनी बाहर गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, तो हमने सोचा सोडा पी लें और थोड़ा सा जो है वो फ्रेश हो जाएं। तो उसके बाद हमने ये इनसे बहुत ही मज़े का था, ये 3 गिलास हमने सोडे के बनवाए और मज़े से पिया, बहुत गर्मी थी, बहुत मज़ा आया। उसके बाद जी हम फिर किसी और जगह पे गए, वहाँ पे कपड़े वगैरह हमने शॉपिंग कर ली। मैं आपको घर जाके फिर प्रॉपर भी आगे वीडियो दिखाऊंगी हमने क्या जो है वो ख़रीदा था। फिर हम एहसान के शूज़ वगैरह देखने लग गए, एहसान को छोड़ के मैं फटाफट जाके अपने स्नीकर्स वगैरह मुझे बहुत पसंद हैं तो मैं वो देखने लग गई। उसके बाद जो है हमने एहसान के जूते देखे, ये वाले शूज़ जो पहने हुए अच्छे लग रहे थे और साइज़ भी इनको फिट था, तो एक हमने ये वाले पसंद किए थे और एक दो और किए थे, लाइक ये वाइट वाले भी अच्छे लग रहे थे, लेकिन फिर हमने वो ब्राउन वाले लिए, ग्रे वाले लिए हैं, ताकि जो हैं ये वाइट वाले गंदे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर मैंने कहा कि आप साफ़ कैसे करेंगे इनको अगर इतने ज़्यादा गंदे हो गए वहाँ जाके, तो फिर हमने ग्रे वाले ले लिए थे। तो लड़कों की शॉपिंग करना बड़ा ही मुश्किल काम है, मुझे लगता था कि हमारी शॉपिंग लड़कियों की शॉपिंग करना मुश्किल काम है, लेकिन मुझे लगता है कि लड़कों की शॉपिंग करना भी भाई बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पे फिर एहसान खेड़ियाँ एहसान को बहुत पसंद है, फिर हमने एक खेड़ी भी लेनी थी, तो यहाँ पे भी एक दो जूते एहसान को पसंद आ गए, फिर हम देखने लग गए। इसमें जो है ये ब्लू वाली पहन रही है अच्छी थी, लेकिन इसमें हमें कैमल कलर चाहिए था, वो हमें एहसान के साइज़ का नहीं मिला, माशाल्लाह से साइज़ ही बहुत बड़ा है एहसान के पाँव का। तो खैर हम शॉपिंग वगैरह करके घर आ गए थे। अब ये मैं एहसान की पैकिंग कर रही थी, तो जो सामान लिया था वो ज़रा रख रहे थे, ये जो ट्राउज़र शर्ट वगैरह, ट्राउज़र शर्ट ही लिए हैं क्योंकि जीन्स ये पहनते नहीं हैं, तो बहुत कम पहनते हैं, फिर इसलिए हमने इनके ट्राउज़र शर्ट लिए और कुछ कपड़े थे वो सिलवाए। ये इनको टावल भी इनका लिया, मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें वगैरह होती हैं वो सारी लेके हमने इनको दी, ताकि ये वहाँ पर जाके डिस्टर्ब ना हों। तो ये कुछ एहसान के ट्राउज़र्स लिए हैं, कुछ शर्ट्स लिए हैं इनके साइज़ की। हाय, मैं तो इतनी दुखी होकर कर रही थी, मतलब कि लाइक 3 साल हो गए हैं हमारी शादी को, लेकिन हम इस तरह से कभी भी ना अलग नहीं रहे, तो अब ये जा रहे हैं तो फिर मुझे थोड़ा मैं सैड हो गई थी। तो फिर मैंने साथ साथ ये थोड़े बहुत क्लिप शूट कर लिए और ये काफ़ी देर से मैंने करके रखे हुए हैं और मेरा दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर आज फाइनली मैंने सोचा चलो जी
एहसान को गए हुए तो एक महीना हो गया, अब क्यों ना इनको भी एडिट करके लगा दिया जाए। ये ना हो जब एहसान के वापस आने की बारी आए तो फिर मैं ये व्लॉग जो है वो एडिट करूं। तो ये कुछ जूते हमने एहसान के लिए थे, घर पहनने के लिए भी और बाहर अंदर आने जाने के लिए भी, शूज़ और वो खेड़ी टाइप और ये वो ना। तो ये एहसान की पैकिंग यहाँ पे हो रही थी जनाब आली। तो यहाँ पे तकरीबन एहसान की शॉपिंग जो है वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर ली थी, सारी चीज़ें हमने ले ली थी 3-4 दिन लगा के। तो अब यहाँ पे इनके जाने से पहले मैंने कहा चलो अच्छे से पैकिंग भी कर दूँ, याद रहे मेरी बेगम ने पैकिंग की थी। तो सारा कुछ इनको मैंने समझा दिया था, ये चीज़ें यहाँ रखी यहाँ रखी यहाँ रखी। अच्छा, अपने हस्बैंड को सी ऑफ करना बहुत ही मुश्किल टाइम, मतलब कि बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदा जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता हो जाता है ठीक, लेकिन पहले जो है ना वो बहुत मुश्किल लगता है। अच्छा खैर, तो एहसान के ट्राउज़र शर्ट जो हैं वो इनको पहना के दिखाया कि कोई अगर तंग होगा या कोई मतलब फ़िटिंग में कोई इशू होगा तो फिर हम अभी चेंज, क्योंकि सारे एहसान ने ट्राई नहीं किए थे, कुछ कुछ किए थे, तो फिर हमने सोचा कि दूसरे भी कर लें ताकि फिर वहाँ पर जाके तो फिर चेंज नहीं हो सकते ना। खैर, इनकी शॉपिंग वगैरह जो है वो कम्प्लीट हो गई है, तो आप लोग वो देखें। और फिर यहाँ हम सब लोग बैठे हुए थे, मम्मा मैं खाला भी आई हुई थी और एहसान, हम सब लोग साथ साथ बातें कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, और साथ साथ मैं एहसान की पैकिंग भी कर रही थी। तो यहाँ पे जी यही थी हमारी शॉपिंग। ये कुछ शर्ट्स हैं, शूज़ हैं और कपड़े वगैरह मैंने जो हैं वो बाद में रखे थे। फाइनली वो दिन आ गया जब एहसान मुझे छोड़ के जा रहे थे, तो मैं बहुत ज़्यादा सैड थी और मुझे इधर बहुत रोना आ रहा था, लेकिन एहसान मुझे मतलब कि खुश वो सैड तो वो भी थे लेकिन मुझे फ़ील करवा रहे थे जैसे ना कि मैं ठीक हूँ तो आप भी हैप्पी रहो। तो फिर बड़ी मुश्किल से मैंने उनको सी ऑफ किया और फिर हम यहाँ से उनको सी ऑफ करके फिर हम घर चले गए थे। तो मैं बहुत मिस करती हूँ अपने हस्बैंड को। सो गाइज, फाइनली मैंने अपने बाल भी डाई करवा दिए हैं और मैंने ब्लैक नहीं करवाया, ब्लैक का मैंने जो है वो प्लान कैंसिल कर दिया, तो मैंने थोड़े से गोल्डन ब्राउन करवा लिए हैं जो कि मेरे फेवरेट हैं क्योंकि मुझे ब्लैक बाल इतने पसंद नहीं है। अच्छा, सो गाइज, कैसा लगा आपको ये व्लॉग? आई होप आपने बहुत इंजॉय किया होगा। तो जाते जाते चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती, अल्लाह हाफिज़।